गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज इंग्लिश में हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, ऑपोजिट जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जेंडर मतलब बच्चों ऑपोजिट, ब्रदर है तो सिस्टर होगा, मदर है तो फादर होगा, इस तरह हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर। ब्रदर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, ब्रदर। सिस्टर S I S T E R, सिस्टर। ब्रदर का जेंडर ऑपोजिट क्या होगा, सिस्टर, ठीक है बच्चों। देन M O T H E R, मदर। मदर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, हाँ मदर के सामने क्या आएगा, फादर। वेरी गुड। F A T H E R, फादर। ब्रदर का होगा सिस्टर, मदर का होगा फादर। वेरी गुड। फिर ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, ग्रैंड मदर। तो जी आर ए एम डी, ग्रैंड मदर। एम ओ टी एच ई आर, ग्रैंड मदर क्या होगा, ग्रैंड फादर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, ग्रैंड मदर। हाँ, फिर बी ओ वाई बॉय, बॉय का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, गर्ल। बॉय गर्ल, ठीक है, बी ओ वाई बॉय, जी आई आर एल गर्ल। फिर एम ए एन मैन, मैन का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, डब्ल्यू ओ एम ए एन विमन। तो मैन का क्या होगा, वुमैन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैन का ऑपोजिट जेंडर वुमैन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, सिक्स नंबर, किंग, के आई एन जी, किंग। किंग का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, हाँ क्वीन, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन। किंग का ऑपोजिट जेंडर होगा क्वीन। नेक्स्ट क्या है, यू एन सी एल ई, अंकल। अंकल का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, आंट, ए यू एन टी आंट। यू एन सी एल ई अंकल, ए यू एन टी आंट। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, जेंडर, जी एन डी आर, जेंडर। जेंडर मतलब लिंग बदलना। तो जेंडर के बारे में हम ब्रदर का सिस्टर, मदर का फादर, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, बॉय का गर्ल, मैन का वुमैन, किंग का क्वीन, अंकल का आंट, इस तरह से हम जेंडर, ऑपोजिट जेंडर लिखेंगे।